राजस्थान का खूबसूरत गुलाबी शहर जयपुर, भारत का तेजी से बढ़ता हायर एजुकेशन का हब। देश विदेश से छात्र जयपुर में पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन अफसोस कि ये गुलाबी शहर अब नशे की चपेट में है। जयपुर के हर कोने में आसानी से मिलने वाले ड्रग्स से आपको डरने की जरूरत है, क्योंकि ड्रग्स समाज को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। अजमेर के रहने वाले मोहतेंद्र सिंह युवा पत्रकार हैं, जिनकी जयपुर शहर में खासी जमीनी पकड़ है। छात्रों को मिलने वाले ड्रग का जरिया क्या होता है, किस तरह ये उन तक पहुंचता है, इनका नेटवर्क पुलिस से कैसे छिपा रहता है, इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए सबसे पहले हमने बात की एक ड्रग एडिक्ट छात्र से। तो पहले जब मैं मेरे दोस्तों के साथ ऐसे बैठता था, तो एक बार उन्होंने मुझे कहा कि माल पी, तो मैंने मना कर दिया, मैंने नहीं पिया। अगले दिन उन्होंने फिर मुझे कहा एक बार पी के तो देख होता कैसा है, फिर भी मैंने मना कर दिया और मैंने उस चीज़ को हाथ नहीं लगाई। तीसरे दिन मैं उन्हीं दोस्तों के साथ वापस उसी जगह पर बैठा था, तो मैंने उन लोगों को कहा कि चलो आज पी के देखता ही हूँ ये चीज़ होती क्या, तुम दो दिन से मुझे बोल रहे हो। फिर ऐसे करके दो तीन दिन हम रोज़ साथ बैठते थे, हम माल पीते थे तो वो लेके आते थे और हम मैं पीते थे। एक दिन उन्होंने मुझे माल लाने के लिए कहा, तो मैं थोड़ा डर गया, ये मुझे कह रहे हैं कहाँ मिलता है क्या है, मुझे तो पता भी नहीं है, मैं तो सिर्फ इनके साथ बैठता हूँ। तो मेरा एक दोस्त मेरे साथ गया, तो हम लोग एक दुकान पर गए, हमने दुकान वाले को बोला भैया एक पुड़िया देना, उसने दुकान वाले को पैसे दिए और हम किसी जंगल साइड गए, वहाँ बैठ के हमने माल पिया। अक्सर ड्रग्स या तो मैं मेरे दोस्तों से उधार लेता था, या फिर मैं जिस दुकान पे हम पहली बार गए थे मैं उस दुकान पे जाने लगा ड्रग्स लेने के लिए। पहले तो घर वाले जो पढ़ाई के लिए पैसे देते थे, मैं उनमें से ही अपने लिए ड्रग्स खरीद के ले आता था, पर बाद में जब पैसे कम पड़ने लगे तो मैंने अपने दोस्तों से उधार मांगना शुरू करी, कभी कहा दिया कल दे दूंगा, कभी कहा परसों दे दूंगा। ऐसे करते करते मेरे पास पैसों की कमी आने लगी, फिर मुझे उस चीज़ और तब लगी, तो मैंने और लोगों से पैसे उधार लिए। इस चक्कर में ड्रग्स का लत मुझे बहुत लग गया और पैसे की उधारी मेरी बढ़ती गई। ऐसे मैंने ड्रग्स को ख़रीदना चालू किया और पैसों का सारा जो ये प्रोसेस था ये स्टार्ट हुआ। जयपुर जैसे बड़े शहर में ड्रग्स ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। आप घर से निकलोगे तो आप किसी थड़ी पे जाके पूछ सकते हो, या आप किसी पेडलर को फ़ोन कर सकते हो कि मुझे माल चाहिए या मुझे पुड़िया चाहिए, या आप पता करते करते दोस्तों से या किसी दुकानदार से आसपास कहीं जाओगे तो आपको ड्रग्स बड़ी आसानी से जयपुर में अवेलेबल हो जाएगा। ऐसा लगता है कई बार ऐसा होता है कि दो तीन दिन तक नहीं पीते हैं तो नींद नहीं आती है, बेचैनी सी होने लगती है, रात भर सो नहीं पाते, इच्छा करती है कि फिर पिएं और पिएं, फिर तीसरे दिन का ही बैठते हैं तो फिर पीने लग जाते हैं। छोड़ना चाहते हैं बट छोड़ नहीं पाते, क्योंकि अब वो एक आदत बन चुकी है, उसको अंदर से निकाल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। तो कभी भी या किसी को पीते हुए भी देख लेते हैं तो अब उस चीज़ को देखे रहा नहीं जाता, तो बहुत दिक्कत होती है नशा छोड़ने में। इसके बाद हमने ये तय किया कि हम इस नशे के व्यापार का चेहरा आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमने कुछ स्टिंग ऑपरेशन भी किए। खूब दूर बुलाया आपने? दूर कहाँ, पास में आपके तो। क्या पास में? ढाई सौ वाला पढ़ा ले जाएगा, कुछ हो जाएगा, ज़्यादा बढ़िया रहता है। जो में रख लो, टेंशन अपने मन की व्यवस्था करो यार, उधर की व्यवस्था करो यार।
बंगाल को भूल जाते हो आप लगता है। जी बोलता कि शिनू लंबा बहुत पड़ता है उधर का एरिया, मतलब बहुत आगे हो गया वो। मतलब यूँ बोल दो ना सीधी सीधी बात, हजार का मतलब तो आऊँगा। नहीं हजार के साथ ही बहुत लंबा है वो तो जगतपुरा, आपका क्षेत्र के आसपास ही 2000 का। अब वो क्वांटिटी हो तो बैठ जाता है। कहीं तो करा गया तो आसान है, है तो आसान है लेकिन बहुत कम है। जब देने वाले बच्चों कोई नज़र में आ जाएगा तो आपको बता सकते, तो आपको दो तीन दिन बाद फोन करके पूछेंगे। पूछना ना एक बार आपको नज़र में आएगा। अपना सीन है थोड़ा पार्टी वार्टी का, वो मैं समझ गया आपके बाद कोई किसी का इमरजेंसी आने दो, किसी का ध्यान में तो बता दूँ आपको। क्योंकि अपने ना वहाँ इतने पूछते ना, इतने पूछते हैं तो थोड़ा हर कोई क्या है किसी के पास रहती नहीं, बस वही वाली बात है। स्टिंग ऑपरेशन से ये बात साफ है कि जयपुर शहर में ड्रग का लेन देन काफी आसान है और इस नेटवर्क को पुलिस का ज्यादा डर भी नहीं। इनका धंधा दिन की रोशनी में भी काम करता है और रात के अंधेरे में भी। लिहाजा अब ये जरूरी हो जाता है कि आप खुद को और अपनों को किसी भी तरह इस लत से दूर रखें।